हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू गुरुमंत्र एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर, एंड हेयर आई एम विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ द 2022 गेट जूलॉजी पोर्शन। सो जैसे कि मैंने कहा हुआ है पहले भी अपने क्लास में कि आप लोग इसको एक क्विज की तरह कंसिडर करिए, ठीक है, एक क्विज की तरह कंसिडर करिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक अपने पेन पेपर के साथ बैठना है और जैसे जैसे सारे क्वेश्चन मैं देता जाऊं वहाँ पे मैं टाइमर नहीं दूंगा, आपको उन क्वेश्चन को पॉज करना है वीडियो को और फिर आप वहाँ पे अपने आंसर देते चले जाइए। साथ ही साथ आपको अपना सही और गलत आंसर का पता चलता जाएगा और एंड में आप क्या करिए, मैच करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं या गलत हैं। इससे आपके प्रिपरेशन का अंदाज़ा आपका हो जाएगा क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड अवर सिलेबस। आप लोग भी साथ साथ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो ज़रूरत है इस चीज़ की भी साथ में करने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स इज फैगोसाइटिक एंड हैज क्लियर साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये शर्मा रहे हैं ये पूछने में कि ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट है। दो तरीके से होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। जिनके में नहीं होते हैं वही क्लियर होंगे, फिर वो फैगोसाइटिक भी हो तो डेट इज मोनोसाइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर इन इंटैक्ट सेल। अगर इंटैक्ट सेल है, आपको सेल डेड नहीं है, आप में इसमें से कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो डिटेक्ट करने के लिए कि सेल के अंदर उसकी लोकलाइजेशन कहाँ है सीरोटोनिन के रिसेप्टर की, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है वो अपनी इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हो। सीरोटोनिन रिसेप्टर के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी जनरेट करो, उसको बाइंड करवाओ वहाँ पे, और बाइंड करने के बाद वो हम इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो आखिर में कहाँ पे है। ना ये एचडीएस स्पेस से हो सकता है, ना फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन से हो सकता है, ना डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकता है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है कि जो जानवर जहाँ पे रह रहे हैं हम उनको क्या करें, वहाँ पे जाएं और उस ही जगह पे उनको मतलब कंजर्व करें जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, और एक सीटू में हम उनको वहाँ से ले आते हैं, अपना जहाँ हमारा मन होता है वहाँ पे हम उनको कंजर्व करते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन जो है इट्स नॉट अ साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के हो सकते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमको देखने को मिलता है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या निकल के आता है। तो बेसिकली बहुत ही ईजी है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, दैट प्रेगनिनोलोन इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, देन ट्रांजिशन एपिथेलिया इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, मतलब ट्वेल्थ के लेवल से लेके नीट में, हमारे बीएससी में, एमएससी में सब जगह, लाइक इट इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, होता क्या है ट्रांजिशनल एपिथेलिया, बेसिकली इसको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दो तरीके के सेल से मिला होता है या दो तरीके के सेल से बना होता है। हमारे एक लॉन्ग सेल्स होते हैं, एक शॉर्ट सेल्स होते हैं कॉल्यूमनर, और उसके साथ मिलके सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तरह काम करता है, उसी को हम ट्रांजिशनल एपिथेलिया बोलते हैं, और ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है। ओके, देन विजुअल सिग्नल ट्रांजिशन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन एंड इट वाज डिग्रेडेशन रादर देन सिंथेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। कौन से सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है इसमें, तो हमको ये आराम से पता है, मतलब नॉर्मली हम सबने रोडोप्सिन की साइकिल देखी हुई है जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको, कि सीजीएमपी इज द सेकंड मैसेंजर जो कि हमको देखने को मिलता है इसमें इन्वॉल्व, और उसका डिग्रेडेशन होता हुआ हमको मिलता है। फिर द जीनोम्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला कोड फॉर एमाइलेज दैट एक्ट्स ऑन द सेम सब्सट्रेट। भाई ड्रोसोफिला में भी है और ह्यूमंस में भी है। However, the sequence of nucleotides in the genes coding the two is dissimilar. This one is an example of which one of the following type of evolution? भाई ये कौन सा evolution है? Drosophila में भी same enzyme है, humans में भी same enzyme है, काम भी same कर रहे हैं, लेकिन दोनों के sequence अलग है, nucleotide sequence अलग है। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग enzyme रहे होंगे।
आज वो एक साथ काम करते हैं, मतलब एक इधर से आए इंसेक्ट से, एक इधर से आए ह्यूमन से, तो कन्वर्ज हो गए। तो इस तरीके के इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर यहीं पे सेम सीक्वेंस होता और काम अलग अलग कर रहे होते, एक इधर काम कर रहा होता, एक इधर कर रहा होता, तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। फिर राउंड डांस इज परफॉर्म बाय फोरेजर बीस टू इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन अ फूड एंड अ सोर्स एंड देयर कॉलोनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस। होता क्या है कि बीज का ऐसे करके एक घर होता है और बीज उसके चारों तरफ इस तरीके से घूमती हैं ऐसे, ठीक है, यूं इस पाथ में ऐसे घूमती हैं। ये उनका एक बिहेवियर है बीज का कम्युनिकेट करने का आपस में, कि हाँ यहाँ खाना है आ जाओ, यहाँ खाना आ जाओ। ठीक है, तो बीज का इसी तरीके का गोल गोल घूम के वापस आना राउंड डांस कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई डांस करते हो, ये गोल गोल घूम के आते हैं, इसलिए राउंड डांस कहलाता है। और इसका जो मैक्सिमम एरिया होता है वो होता है, मतलब शुरू होता है 25 से और मैक्सिमम 100 मीटर तक ये राउंड डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये हो सकता है ना ये ना ये, मैं इसमें आ रहा है 45 मीटर, तो 25 टू 100 मीटर तक ही ये राउंड डांस कर सकते हैं। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव कोइनोसाइट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब बार बार पूछा जा रहा है। कोइनोसाइट्स हमको पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मल ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लियल सेल इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, इनमें से कौन सा ऐसे ग्लियल सेल से जो कि एक्टोडर्म से डिराइव होके नहीं आया है, तो वो है माइक्रोग्लियल सेल। बेसिकली माइक्रोग्लियल सेल्स जो हैं वो हमारे माइक्रोफेजस होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं ब्रेन में। ठीक है, फिर टेरेंटलस एंड मॉस्किटो बिलोंग टू सेम फाइलम ऑर्थोपोडा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ लेग्स इन देम रिस्पेक्टिवली। मॉस्किटो में कितने लेग होते हैं और टेरेंटलस में कितने लेग हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली टेरेंटलस में 8 लेग्स होते हैं और मॉस्किटो में 6 लेग हमको देखने को मिलते हैं। ओके, ईजी है, ये डायरेक्ट चीज़ हमको पता है कि सामने ये हमारे यहाँ रहती ही है। फिर हमको मैच करना है न्यूक्लियोलस पेरोक्सिज़ोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज, हमारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन के साथ हमको मैच करना है। तो बेसिकली किस तरह की चीज़ें हमको देखने मिल रही हैं, सबसे पहले आसान आसान देखनी चाहिए। तो पेरोक्सिज़ोम हम सब ने सुना हुआ है कि पेरोक्सिज़ोम हमारा जो है वो हमको क्या करता हुआ मिलता है। पेरोक्सिज़ोम इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड साइट, जो हमको देखने को मिलता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है हमारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज प्रोटीन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं और राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए हमारे बायोजेनेसिस के लिए न्यूक्लियोलस होता है। तो बेसिकली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्राउडूजेट सिंड्रोम है, बहुत ही इजी। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम 45 प्लस XO, ठीक है, क्लिनफेल्टर 47 प्लस XXY और क्राउडूजेट 5P-। तो कितना कितना ज़्यादा इजी है हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चन को करना, मतलब ये तो कितना ज़्यादा कॉमन है। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो आप हज़ार बार अभी तक देख चुके होंगे अपने सामने आता हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फिर आपसे मैच दी फॉलोइंग पूछा जा रहा है यहाँ पे, इंडोलिम्फ विंटर ह्यूमर वैस डिफरेंस और कॉर्पस ल्यूटियम, ये कहाँ देखने को मिल रहा है। तो फिर से आप सोचो कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें जो हमने देखी, कोई ज़रूरी नहीं है आप ऊपर से शुरू करो नीचे शुरू करो। अब इसमें ये देखो कि हमने वैस डिफरेंस तो बेटा बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, वैस डिफरेंस हमने हमको पता है टेस्टिस के बारे में कि हमको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सोचोगे हम इसको टेस्टिस से मैच करते हैं, फिर आप देखो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो गए, ये दो ऑप्शन गए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे कि फिर हमको ऐसा क्या मिल रहा है, आप ये देखोगे इस ऑप्शन में भी क्यू में फोर है, इस ऑप्शन में भी क्यू में फोर है, तो आप उठाओ और क्यू को फोर से कनेक्ट कर दो, विंटर ह्यूमर होना ही होना है, हमको पता भी है और ये भी, मतलब एक तरीके का हैक है। फिर पी का सिर्फ चेंज होना है, अगर पी का टू और थ्री में हो गया, एस का टू और थ्री में हो गया, तो काम अपना आसान हो जाएगा, हमको ये चीज़ पता है। तो इंडोलिम्फ हमें कहाँ मिलेगा और कॉर्पस लिटियम कहाँ मिलेगा, कॉर्पस लिटियम ओवरिम मिलता है, ठीक है, और इंडोलिम्फ मिलता है ईयर में, इस चीज़ को कोई दोहरा नहीं, मतलब कोई चीज़ को हटा नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन जो ये है फर्स्ट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मैच दी फॉलो करके देखते हैं, एरेप्सिन स्टीएप्सिन पेप्सिन और एंटरोकाइनेस, ये हमारे एंजाइम से जो हमको देखने को मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जो एरेप्सिन है,
रेप्सिन कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं स्टीएप्सिन है, स्टीएप्सिन कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। जो हमारा पेप्सिन है इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, और इंटरोकाइनेस एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। ओके, तो ये हमको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। देन आपसे पूछा गया है कि वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट का हेल्दी इंडिविजुअल का जो मतलब होना चाहिए अपॉन एक्सरसाइज, वो क्या होता है। बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो वॉल्यूम ऐसे ऐसे करके वेंट्रिकल का जो बढ़ेगा। वेंट्रिकल क्या होता है, ऑरिकल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी पूरी मतलब जो पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जाता है, जाहिर सी बात है वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड ही हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। तो अगर वेंट्रिकल की वॉल्यूम बढ़ रही है एक्सरसाइज करते वक्त तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। वेंट्रिकल बढ़ रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे वेंट्रिकल की वॉल्यूम बढ़ रही है वैसे वैसे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो वैसे भी उल्टे आ रहे हैं तो ये गलत हो गए, ठीक है। बचाई रात इनकी और इनकी, जिसमें से हमको ये रिलेशन एकदम सही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है इस केस में। फिर हमको देखने को मिल रहा है कि इनसे हमारी कौन सी डिजीजेज हो रही हैं, किसिंग बग, सैंड फ्लाई, डियर फ्लाई, ओरिएंटल रैट फ्ली, इनसे कौन सी डिजीज हैं आपको ये देखने की कोशिश करनी है। ध्यान देते रहना, मैच दी कॉलम भी आपको करने हैं खुद से, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से अपने ऑप्शन सेलेक्ट करना, फिर उसे प्ले करना, ठीक है। जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमको देखने को मिल रहा है जो किसिंग बग है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेगास डिजीज, ठीक है। अब आप देखो कौन से हमारे पास बचे हैं, ये गया, दो बचे, ठीक है, Q2 Q4। अब अपना काम यहीं पे हो जाएगा। तो सैंड फ्लाई जो हमारे होती है, डिप्टरा जो हमको देखने को मिलती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे काला आजार के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। फिर हम देखें कि इनमें हमको केराटिन, सर्फेक्टेंट, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड, एल्ब्यूमिन देखने को मिल रहे हैं। इसको आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप मत करना कभी भी, जब भी पढ़ना तो कॉलम वन कॉलम टू में देख लेना। कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि कॉलम वन और कॉलम टू में आप देखो कौन सा मिस मैच है और उस मिस मैच को मिलाना होता है, और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, है ना, गलत कर देते हैं। तो मिस मैच भी देख लेना और मैच भी देख लेना किसे मैच करना है। तो अगर हम इसे मिलाने की कोशिश करें, केराटिन, सर्फेक्टेंट, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स और एल्ब्यूमिन, ये हमें कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो या कहाँ हमको इससे किससे रिलेटेड है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा केराटिन है ये तो हमारे स्किन में मिलेगा हमें, ठीक, केराटिन तो हमारे स्किन में मिलेगा हमको। अगर हम सर्फेक्टेंट की बात करें तो सर्फेक्टेंट हमको कहाँ मिल रहे होंगे, सर्फेक्टेंट ऐसा क्या कर रहे होंगे। तो बेसिकली सर्फेक्टेंट हमको जो है वो लंग्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हमारे लीवर से एसोसिएट, सॉरी पेंक्रिया से एसोसिएटेड है, और एल्ब्यूमिन हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको हम लीवर से एसोसिएट करेंगे। तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन आपसे पूछा गया है, द ग्राफ बिलो शोज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स एल्कोहल्स एंड एसिटिल वेन फिनाइल एलेनिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनहिबिशन ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू का आपको बताना है। तो बेसिकली एंजाइम पेप्सिन जो है उसके लिए आपको इनहिबिटर एल्कोहल और एन एसिटिल फिनाइल एलेनिन बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए कि पेप्सिन जो है एल्कोहल उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में हम ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में KM जो है हमारा वो वेरी करता है और Vmax वेरी नहीं करता, ठीक है। KM वेरी करता है और Vmax वेरी नहीं करता, इसीलिए जब P ऐड हो रहा है तो ये सेम पॉइंट पे कट कर रहा है, और KM देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, KM की शिफ्टिंग हो रही है, Vmax की नहीं हो रही है। तो इट इज़ कॉम्पिटिटिव एंड एन एसिटिल फिनाइल एलेनिन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द पेप्सिन। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है ड्रोसोफिला में, बेसिकली हमारे जो हमारा क्या कहते हैं आपका, अरे उसका मतलब हम लोग इसको अगर देखने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो जो हमारे पास चीज़ें निकल के आ रही हैं वो किस तरीके से निकल के आ रही हैं, वो जैसे निकल के आ रही हैं कि एक पॉपुलेशन है आपके पास वाइट और रेड आइट फ्लाइज की, जिसमें आपको 10,000 टोटल देखने को मिल रही हैं फ्लाइज, ठीक है, 10,000
10,000 आपके सामने निकल के आ रही है। इस 10,000 में से 3,600 फ्लाइज जो हैं वो आपको वाइट आइट देखने को मिल रही है। इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू के साथ हमको ये देखने को मिल रही है जीन्स के साथ। यानी कि इससे आप ये पता कर सकते हो कि जो हमारा क्यू स्क्वायर है, ये आर डी वेनबर्ग से आप कर सकते हो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हमारे क्यू स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होंगे। यहाँ से आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है वैल्यू 2PQ की, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज हेट्रोजाइगस रेड का कितना होगा। तो आप पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, आपको 2PQ की वैल्यू बतानी है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है और डायरेक्टली आप वहाँ से परसेंटेज कंसिडर कर लोगे। ओके, तो परसेंटेज आएगा आपके पास अराउंड 48%। सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। डू लेट अस नो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम गुरुमंत्र ग्रुप। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट।